इंग्राजीपुर मैट्रिक गणित प्रश्नपत्र लीक अभियोग परीक्षा पूर्व सोशल मीडिया रे घूरी बुलिथिला प्रश्नपत्र एवं उत्तर तदंत नक अजब जुक्ति बाढ़िले बोर्ड कर्तृपक्ष कहले गणमाध्यम मनगढ़ा कहानी परीक्षा पूर्व प्रश्नपत्र लीक नहीं आसनी अभियोग पैंतीस नुआ एनएससी घोषणा पर भी थमुनी दाबी आज विभिन्न स्थान में तेजिला असंतोष मनमुंडार बारघंटिया बंद पालन सोर एवं राजकनिकार प्रतिवाद आंदोलन को जोरदार करने को चेतावनी दुर्नीति प्रसंगे राज्य सरकार का विरोध में गर्जिला कांग्रेस पीसीसी सभापति एवं कांग्रेस प्रभारी नेतृत्व में लोकसेवा भवन घेराव जवाब पुलिस सह मुहामुहि बेकारी दुर्नीति नारी निर्यातना प्रसंग उठाई प्रतिवाद कला दल निर्वाचन पूर्व प्रधानमंत्री बड़ भेटी अमृत भारत स्टेशन योजन देशर 553 रेल स्टेशन शिलान्यास और उद्घाटन नुआ रूप पाइब ओडिशार 21 स्टेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया सामिल हेले मोदी बीजेडी बीजेपी संपर्क नहीं जातीय गणमाध्यम चर्चा राज्यसभा अश्विनी वैष्णव को बीजेडी समर्थन पर मेंट नहीं जारी रही सस्पेंस बीजेपी कहला एहा बीजेडी रा नारेटिव मेंट संपर्क में नवीन निष्पत्ति नेबे कहले बीजेडी नेता निर्वाचन रे बालेश्वर लड़ा को आग्रह देखाइले खारबल स्वाई कहले छह थर बालेश्वर लड़ी 2019 शेष मुहूर्त में कंधमाल लड़ा को मिलता टिकेट एथर टिकेट मिले निश्चित बालेश्वर लड़े कहले खारबल मंच कलाकार शेष यात्रा केन्द्रापड़ा ओस्तोपुर निकटे सड़क दुर्घटना भारसाम्य हर गच्छ को धक्का देला बोलेरो तीन जन मृत्यु तीन गुरुतर कटक स्थानांतर स्टेज शो पर रिहर्सल सारी फेरुले कलाकार मैट्रिक परीक्षार सबु प्रकार विभ्राट धरिप एआई कैमरा परीक्षा पूर्व एमिति केते कौन प्रतिश्रुति देते बोर्ड कर्तृपक्ष किंतु प्रश्नपत्र लीक अभियोग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पिछा छाड़ुनि इंग्राजी परे केन्दुझर आसी गणित प्रश्नपत्र वायराल होता अभियोग कहो प्रश्नपत्र और उत्तर सीट परीक्षा पूर्व सोशल मीडिया घूरी बुलूला ताहा परीक्षा पड़ता गोटे सेट सह मेल खाई तेज यार तदंत करने परे अजब जुक्ति बाढ़ी बोर्ड कर्तृपक्ष गणमाध्यम मनगढ़ा कहानी इंग्राजी परे गणित प्रश्नपत्र लीक अभियोग अजब जुक्ति बाढ़िले बोर्ड कर्तृपक्ष केन्दुझर जिले में मैट्रिक गणित परीक्षा पूर्व गणित प्रश्नपत्र भाइराल होता नहीं आसी अभियोग भाइराल होता प्रश्न और परीक्षा पड़ता प्रश्न समान बोली कहते परीक्षार्थी अभियोग परीक्षा पूर्व मोबाइल रु मोबाइल को घूरी बुलुवा गणित प्रश्नपत्र और यार उत्तर किंतु एहाकु गुरुतर सह नहीं नथिले कर्तृपक्ष तबे परीक्षा शेष होबा परे गोटिए सेट्र प्रश्नपत्र सह भाइराल होइतिबा प्रश्न मेल खाउतबानी अभिजोग होइतिला आमे पाठ पढ़ी लाभ कौन जदि से माने कॉपी करी जमे जदि अधिक नंबर रखिबे तले पाठ करी लाभ कौन पाठ करी त से लाभ हो बन्ना मोर जो माने पाठ न पढ़ी कि 90% रखिबे आमे पाठ पढ़ी कि 90% रखिबो सेटा त हमकु अधिक बाधिबो ना आज्ञा सर सब किछि पढ़तला सब ठीक क्वेश्चन थिला आज्ञा तन जो भाइराल होती सर कौन सब ठीक आज्ञा सर सब ठीक नहीं सर आम पढ़ी आम जब रखी आम पढ़ी 90% आय पा न पढ़ी 90% रखे जब पढ़ा छुआ 90% भी न रखिला जदि न पढ़ा छुआ 90% रखिक आगे गला से आगु एथर तो 90% पढ़ा छुआ पढ़ुं तथा पढ़ा छुआ जहाँ भी बाधि ना सर तुम मैंने पाइच कि ना आम पाइन अब जो पिला पाइथे से माने केमिति करथे परीक्षा से माने तो भलो करछन दी हमर के माने खराब होई छ ए वायरल क्वेश्चन नै कोन कहबो माने एना बंद करा जाओ प्रश्न पत्र लीक अभिजोग खबर प्रसारण परे एहा को खंडन करी छि बोर्ड एहा गणमाध्यम रो मनगढ़ा कहानी बोली कहि दोष खसाइबा को लागि पड़िछंती कर्तृपक्ष क्वेश्चन लीक नै तदंत करबा बदल रे उभय बोर्ड सभापति और उपसभापति अजब जुक्ति समस्त को आश्चर्य करिछि सेमाने कहिछन्ति परीक्षा पूर्व प्रश्नपत्र लीक नहीं कौनसी अभियोग आसिनी आउ शांति श्रृंखला सह शेष होइछि परीक्षा
କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ଭାଇରାଲ ହେଇନାହିଁ କି କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପିଲ୍ ରହିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାଇରାଲ ହେଉନି, ପିଲାମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଦୁଇଟା ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନା ନା ନାହିଁ, ସ୍କୁଲରେ ଅଛି ମାନେ ସେଇଟା ଡେଟ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ 11:45ରେ ପରୀକ୍ଷାଟା ଶେଷ। ତେଣୁକରି ଦୁଇଟା ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଚାହିଁବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ନୁହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥାନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କିମ୍ବା ଇଏ 11:45 ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁକରି ତାପରେ ଭାଇରାଲ ଆଉ ଲିକ୍ କହିବାଟା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରାଉଛି। ଭାଇରାଲ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଧରିବାକୁ ମାନେ ଗିରଫ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଭାଇରାଲ ହେଲେ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ହିଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଇଂରାଜୀ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କିପରି ଲିକ୍ ହେଲା ଏହାର ଜବାବ ମାଗିବା ସହ ଗତକାଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାଣ୍ଡିଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରିଥିଲା ABVP ଏବଂ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ। ପୁଣି ଏବେ ସେହି କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗୁଆ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ନ କରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗକୁ ବୋର୍ଡ ବାଏଁ ବାଏଁ ଉଡ଼ାଇଦେବା ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କାହିଁକି କରାଯାଉନାହିଁ? ତଦନ୍ତ ନ କରି ତରବରିଆ ଭାବରେ କାହିଁକି ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ସତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ କିଏ ରହିବ ଦାୟୀ? କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କଟକରୁ ଅଭୟଙ୍କ ସହ ଶକ୍ତିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍। ରାଜ୍ୟରେ 35 ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଏଥିପାଇଁ ଦାବି ବଢ଼ୁଛି। ଶନିବାର 20 ଜିଲ୍ଲାର 34 ଛୋଟ ସହରକୁ ଏନ୍ଏସି ଏବଂ ରବିବାର ବୀରମହାରାଜପୁରକୁ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାପରେ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କରିବା ଦାବି କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ତେଜିଛି। ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛି, ଏ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଏନ୍ଏସି ବା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଦାବିରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ମନମୁଣ୍ଡା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ମନମୁଣ୍ଡାରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୋର ଓ ରାଜକନିକାରେ ଲୋକେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା ନକଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆଜି ଯାହା ଡିଗ୍ଲାର ହେଲା ସେଟା ମନମୁଣ୍ଡା ସେଥିରେ ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ, ମାନେ ନାହିଁ ଏନ୍ଏସିରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆମର ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା ନାହିଁ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ବିରୋଧ କରମୁ, ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ 48 ଘଣ୍ଟିଆ, ଏଇଟା ତ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଆମେ ବିରୋଧ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ 48 ଘଣ୍ଟିଆ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେମୁ। 90ରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ଆଳିର ଉନ୍ନତିରେ ଏମାନେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଳିରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହୋଇନି। ସବୁ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି 35ଟା ଏନ୍ଏସିରେ ଆଳି କନିକା ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଦୁଃଖର କଥା, ଗତକାଲି ଏନ୍ଏସି ଡିକ୍ଲାର ହେଲା, ଯେଉଁଟା ହେବା କଥା ସେ ହେଲାନି। ଆମର ସିମିଳିଆ ହଉ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ କାଲି ଘୋଷଣା କରାଇଛନ୍ତି ସେଇ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଆଚରଣବିଧି ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଖଇରାଟାକୁ ଏନ୍ଏସି ଡିକ୍ଲାର କରନ୍ତୁ। କେବଳ ନୂଆ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ନୁହେଁ, ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏସ୍ସିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା କରାନଯିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ। ଭଞ୍ଜନଗରକୁ ତୁରନ୍ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା କରିବା ଦାବିରେ ନାଗରିକ କମିଟି ଓ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରକୁ ବାଦ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସ୍କା ଏବଂ ଛତ୍ରପୁରକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆଜିର ଏ ଗଣଧାରଣା। ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ପ୍ରତିବାଦର ଚିତ୍ର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜନୀତି।
एनएससी घोषणा को विरोधी निर्वाचनी जाल कही समालोचना करिछंति। अन्य पटे शासक दलर नेता कहिछंति विरोधी माने अभियोग करिवे किंतु लोक प्रतिनिधि अंचलर विकास दिगरे कार्य करिवे। जे कोनोसी मुहूर्त रे भारतर निर्वाचन कमिशन विधिवत भावे विज्ञप्ति प्रकाश करिवार अछि तार अव्यवहित पूर्वरु संपूर्ण असंवैधानिक एवं बेआईन भावे ये जो निष्पत्ति घोषणा करिछंती दैट इज ओनली एंड आई वाज एइटे जो माने केडी नियंति बसंती आमे कहिकरी करदलु आमे करदलु आमे करदलु एबे जोर जोर स्ट्राइक होउछि तुरंत राज्य सरकार हस्तक्षेप करिकरी एनएससी घोषणा करंतु काली एतले 34टा प्रथमे हला तापर आउ गोटे हला 35 हला आउ 10टा बढ़ू असुविधा कौन है जो सुविधा आप बर्तमान पाँच जहाँद्वे जनसाधारण पाँचा सहरांचल मिलना एवं आमर जो सहरांचल जहाँ आवश्यकता अच्छे अल्प दिन भर एटा भी हम राज्य सरकार जो नीति निर्धारण कर जो आधार में आप एनएससी डिक्लेयर हम खूब शीघ्र आलिकनिका से जगह पहुँच 34 नुआ एनएससी घोषणा पर बीरमहाराजपुर प्रतिवाद होता आउ प्रतिवाद परे बीरमहाराजपुर को एनएससी घोषणा करथिले राज्य सरकार जहाँ अन्य अंचलवासी विक्षोभ करने खोराक जगह कहा जाउछि। तेणु प्रश्न उठुची राज्य सरकार घोषणा बुमेरांग हेबना तो कैमरा पर्सन दीनबंधु बाणीनंदन राजकनिकारु प्रवीण बल सोरु प्रमोद दास और भंजनगर रवींद्र गौड़ बौद्धु आलेखिका पृष्टि और भुवनेश्वर मौसुमी महांती और देवाशिष सासमल रिपोर्ट कनक न्यूज। राज्य सरकार को विरोध में राजधानी में गर्जी कांग्रेस लोकसेवा भवन आड़क कांग्रेस नेता एवं कर्मी अग्रसर होगा बेले भुवनेश्वर लोअर पीएमजी किसी समय पर रणक्षेत्र पलटिता कांग्रेस कर्मी और पुलिस भितर धस्ताधस्ती होई कांग्रेस गर्जन को कटाक्ष बीजेडी एवं बीजेपी रणक्षेत्र पलटिला लोअर पीएमजी पुलिस कांग्रेस कर्मी धस्ताधस्ती भुवनेश्वर प्रमुख जनगहलीपूर्ण अंचल लोअर पीएमजी आज अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि होई निर्वाचन पाखे आसुवा बेले राज्य सरकार का विरोध में गर्जी कांग्रेस लोकसेवा भवन आड़क कांग्रेस नेता और कर्मी अग्रसर होते ओडिशा प्रभारी अजय कुमार और पीसीसी सभापति शरद पटनायक नेतृत्व में दलर विधायक नेता और कर्मी ब्यारिकेड भांगी आगक बढ़ते पुलिस प्रथमे प्रभारी को उठाई नहीं पीसीसी सभापति दुईट ब्यारिकेड भांगी तृतीय ब्यारिकेड भांगा को उद्यम करुवा बेले कांग्रेस कर्मी पुलिस धस्ताधस्ती होते पुलिस कांग्रेस नेता उठाई नहीं ओडिशा को एक क्राइम कैपिटल बना दिया है। सबसे ज्यादा रेप है, सबसे ज्यादा अपराध है, सबसे ज्यादा लूट है। दूसरा है कि नवीन जी के जितने भी लोग हैं, जितने एमएलए मिनिस्टर्स हैं, जितने उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, सब लोग जो है एक गैंग बन गया लूटने के लिए। हाँ, से माने हमको जीवा को देले ने जते गणतंत्र पद्धति रे हमें जाउथुलु नवीन पटनायक को जो मेमोरेंडम दबा को हमें जाउथुलु ताको हमको से माने सुजोग देले नहीं। काहे कि ओडिसा वासी को से एते डरुचंती नवीन बाबू, काहे कि मुख्यमंत्री डरी जाउछन समस्त को पुलिस तार कर्तव्य को जे सेतिर हमर कहिबार नै। किंतु नवीन बाबू काहे डरुचंती निजे पर होम डिपार्टमेंट एटा आरंभ मात्र जोटा में कोरी कोरी जाऊ वर्तमान राज रास्ता रे ओल्लेबू राज रास्ता रे लड़ाई हबो। राज्य सरकार को विरोध रे गर्जन करी लोअर पीएमजी रे शक्ति प्रदर्शन करितिला कांग्रेस पानी खणी बिजुली स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र रे दुर्नीति अभियोग आनी लोकसेवा भवन घेराव करबा को उद्यम करितिला कांग्रेस दल। एथिपाय लोअर पीएमजी रे पुलिस छावनी होइतिला प्रति ब्लॉक रु सह सह कांग्रेस कर्मी एकाठी होइतिले से बड़े बीजेपी कहिछि कांग्रेस रा कोनसी प्रभाव नाही लोक देखाणिया पाई कांग्रेस एभली करूछि। बीजेडी कहिछि निर्वाचन आसिले एभली हुए एथिरे कांग्रेस सफल हेबो नाही। नवीन पटनायक को नेतृत्व रे बीजेडी ओडिसा रो विकास करूछि। कोनसी भकारे बर्दाश्त करा जीवो नाही सरकार को मनमानी को बर्दाश्त करा जीवो नाही। ये लड़ाई जोरदार हबो, ये लड़ाई भुवनेश्वर गांव गंडिया को व्यापिबो। आज जो परिभाव रे अमरुष अत्याचार पुलिस जो भाव युवक आक्रमण यार जवाब केवल भुवनेश्वर ना गाँ गंडा सहर बजार दिया जीवो। निजे निजर सत्ता खोजापी निजे निजर दल को ठिकना भाव अंटा सड़खापी चेष्टा कर
स्वाभाविक कथा राजनैतिक दल से सब काम से करे कि बास्तव में जो प्रसंग गुड़िक कांग्रेस जाणुची ये प्रसंग होची ओडिशार राजनैतिक प्रसंग किंतु कांग्रेस को हल्का भाव लोक नौ कांग्रेस निज गोड़ निजे कुराड़े निज गोड़े मारी तेणु आज प्रासंगिकता ओडिशार कांग्रेस आदो ना पार्टी कौन कर इलेक्शन आसने सब हुए सब करते समस्त सब पार्टी निश्चय एक्टिविटी करेंगे शासन व्यवस्था को नहीं जो प्रश्न उठे घेर करेंगे ये आ प्रश्न उठेबार कौन अच्छे तो इलेक्शन को जीवार अच्छे इलेक्शन गोटे नैरेटिव बनवा चेष्टा कर सफल होगा क्या निर्वाचन पाखे आसलानी आउ भोटर को पाखरे पहुंचिबा को कांग्रेस भी जोरदार कसरत आरंभ कर देछि। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन दिनबंधु बाणीनंदन को सह मौसुमी महंती और देवाशीष सासपोल को रिपोर्ट कनक न्यूज। छात्र छात्री को राज्य सरकार को बड़ा उपहार युक्त तीन एवं पीजी छात्र छात्री मानू नुआ और वृत्ति प्रदान करिसेंति राज्य सरकार छात्री को वार्षिक 10,000 एवं छात्र को 9,000 टंका लेखाएं प्रदान करा जाय छे। तीन जिले में छात्र छात्री को वृत्ति सर्टिफिकेट प्रदान करिसेंति 5T अध्यक्ष वीके पांड्यान। संबलपुर देवगढ़ एवं अनुगुल पिला नुआ और स्कॉलरशिप प्रदान करा राज्यर प्राय 95% छात्र छात्री नुआ और स्कॉलरशिप द्वारा उपकृत हेबे तेबे एहि योजनारु सरकारी कर्मचारी पिला बाद पड़ी से आयकरदाता पिला वंचित रहिबे एहा बाद अन्य समस्त छात्र छात्री को एहि स्कॉलरशिप प्रदान करा जिवो। ब्रह्मपुर महानगर निगम 4 बीजेपी कॉर्पोरेटर आज बीजेडी रे सामिल होते एमाने हेले रंजिता बेहरा डी करुणाकर प्रदीप शतपथी नीलकंठ साहू बीजेडी सांसद मानस मंगराज सस्मित पात्र विधायक विक्रम पंडा और वरिष्ठ बीजेडी नेता रमेश चंद्र चौपट नायक उपस्थित माने बीजेडी रे सामिल होते एक कॉर्पोरेटर अभियोग करिसेंति बीजेपी रो नुआ सभापति अणदेखा करिवारु सेमाने बीजेपी छाड़िछन्ति। गोपालपुर विधायक को जो भली दल रे सामिल करागला ताकु विरोध करी सेमाने बीजेडी रे सामिल होइछन्ति बोले कहिछन्ति बीजेपी छाड़िथिबा कॉर्पोरेटर एवं एमानको नेतृत्व रे ब्रह्मपुर महानगर निगम रो संगठन आउरी सुदृढ़ हबो एवं निश्चित भाबे ए 4 गोटी वार्ड मध्ये आउरी डेवलपमेंट काम आउरी भलो हबो माननीय मुख्यमंत्री को ब्रह्मपुर प्रति स्वतंत्र दृष्टि रहिछि एवं माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद आज ब्रह्मपुर सहर आज ओडिशार एक सुंदर सहर भाव परिगणित होती तेणु एम आज जयदिन में स्वागत करुँचे और निश्चित भाव धन्यवाद दे।